नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर के शिक्षक संघ बच्चों ने स्कूल चलो अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया। कोरोना के कारण 2 वर्ष से स्कूल बंद रहे, इसका सबसे प्रतिकूल असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा। इसलिए स्कूल चलो अभियान से सभी परिवार के हर बच्चे को जोड़ना जरूरी होगा। इसकी निगरानी व स्कूलों को संसाधन युक्त बनाने के लिए हर अधिकारी व जनप्रतिनिधि को एक एक विद्यालय को गोद लेना चाहिए, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसी अभियान के तहत आजमगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों ने स्कूल चलो अभियान के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों ने हाथों में तख्तियां लिए लोगों को संदेश दे रहे थे, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि सर्व शिक्षा का अभियान, सबको मिले प्राथमिक ज्ञान, बच्चे मांगे प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चलकर नाम लिखाओ, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। इस नारों के साथ छोटे छोटे बच्चे लोगों को जागरूक कर रहे थे। इस रैली के आयोजन के दौरान प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर प्रधानाध्यापिका संगीता सिंह, सहायक अध्यापिका सालू शर्मा, रेखा सिंह, अनिशा साफिया और शिक्षा मित्र अनुराधा सिंह, कंचन सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री राधिका देवी सहित भारी संख्या में बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया।